पूरे 12 बज चुके हैं और किसी ने मुझे विश नहीं किया अभी तक। हमारी सीट लगा कर दी है। कोई बात नहीं, खैर है, आज के दिन लगता चलेगा। तो कौन सी क्या बात कर रही है? क्या है सुबह की लड़ने को पड़ी? लड़ तो बिल्कुल नहीं रही हूँ। लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ओह माय गॉड, बहुत खूबसूरत है ये जगह। पहली बड़ी बाइन देख है ना, और बातें सुना चुकी हूँ। क्या हो गया बोल दो, एक बार बता दो। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। So, पूरे 12 बज चुके हैं मलेशियन टाइम के अकॉर्डिंग और किसी ने मुझे विश नहीं किया अभी तक। लेकिन उसको ना लगता है कि मेरी बर्थडे 26 जनवरी को, जबकि 25 जनवरी। तो मैं बड़ा स्लो बोल रही हूँ क्योंकि वो साइड पे कुछ बिजी है अपना। बट लेट्स सी, तेरी को कब याद आता है और फिर मैं उसका क्या हाल करूँगी ये आप देखेंगे। अगर अभी मैं वेट कर रही हूँ पाकिस्तानी 12 बजने का, पाकिस्तानी 12 बज गए ना और इस बंदे ने मुझे विश ना किया, निबड़ांगी फिर मैं। अभी शादी को एक साल नहीं हुआ क्योंकि बंदा मेरी डेट ऑफ बर्थ भूलने लग गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी, दिस इज मी क्राकवल, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 5। अभी हम लोगों की है यहाँ से सीधा फ्लाइट हमारे अगले हनीमून डेस्टिनेशन पे, और वो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है जिसको हमने एक्सप्लोर करना है। और आज हम जाने वाले हैं भाई मालदीव्स। अभी हमारा सारा सामान जो है वो लगेज बॉय लेके जा चुके हैं, अरीब साहब भी बाहर वेट कर रहे हैं हम सबका। तो अभी अपना छोटा छोटा सामान कैरी करेंगे और निकलेंगे। अगर उससे पहले आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। पूरे सफर में ये लिए नहीं, और जब दो जगह रह गई हैं तो ये लेने याद आ गए दोनों। ये वैसे आगे बनती भी हैं आपके, जरूरी हैं। हाँ क्यों? बस चले। हाँ बता रही हूँ, बस ना बैग वगैरह पकड़े, लगेज वगैरह पकड़े। माफ करें, दो लोगों के लिए तो सामान लग रहा है। अरीब, हमने जो पलटून पाकिस्तान बैठी उसके लिए शॉपिंग भी की है, तो ये भी उन्हीं का ही। ये नया एडिशन है हमारे बैग, एक बैग नया एडिशन हो गया। गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6। फिर लोग कहते हैं कि इतने बैग है कि कपड़े पुराने पहनते हैं, उनको कैसे बताएंगे इसमें सारे सर्दियों के कपड़े हैं। वो भी असर है, वो कह रहे हैं व्हाट अ जोक ब्रो, व्हाट अ जोक। ये सही है, मैं सुबह 5 बजे उठ के एक्स्ट्रा फ्रेश हूं, तुम 5 बजे उठ के एक्स्ट्रा डाउन। हाँ ये देखे, एक्स्ट्रा वेल फील वेल शर्ट जो फील वेल वाली पहनी हुई है। आधी नींद में हूँ मैं, क्या बताऊँ आपको। बाय बाय प्यारी लोबी, अच्छी लोबी, प्यारे होटल, बाय बाय मलेशिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आवांगे। मलेशिया अच्छा था, हाँ मजा आया, एंजॉय। जितनी हम लोगों ने शॉपिंग यहाँ मलेशिया से किया गाइस, आई कांट एक्सप्लेन। अच्छा जी, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बार बार क्यों कह रही हूँ। भाई मैं अरीब से नाराज़ हूँ। आज है 25th of January, रात 12 बजे। कल मैं वेट करती थी, शायद मुझे सारे जहान ने मुझे विश कर दिया, इसने मुझे विश कर दिया। आज मेरा बर्थडे गाइस, हैप्पी बर्थडे कह दें मुझे कमेंट में, एक्चुअल वाला बर्थडे, और देखें हाउ आई एम सेलिब्रेटिंग इट राइट नाउ। बट उसको नहीं याद मैंने, ना नाराज़ हुई हूँ, ना मैंने कोई तेवर दिखाया है, ना मैंने कोई एटीट्यूड दिखाया है, ना मैं उसको शो कराया, बस छोटा 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 माइनस माइनस माइनर माइनर कर रही हूँ। खैर कोई नहीं, अगर तो नहीं याद आया ना आज का पूरा दिन, मैं सिर्फ देखूँगी, फिर पूरा साल ऐसा टोंट तवा लगाऊंगी ना कि सारी जिंदगी ये लड़का याद रखेगा। रेडी है फिर? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, नींदें पूरी कर ली हैं। मैं कहाँ सोया हूँ, थोड़ा सा ही सोया हूँ। फील फ्रेश ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं कौन से पावर नैप ले लिया। पावर नैप मिल गया आपको। जब दूसरे हम मुल्क पहुंचेंगे एक सरप्राइज दूंगा। ओके, हम एक नई चीज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करेंगे इंशाल्लाह। डन डन डन। 1 hour later अभी एयरपोर्ट आ चुका है, यहाँ से निकलते हैं और सामान वगैरह पकड़ते हैं। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद अब हमारी हो रही है सेल्फ बोर्डिंग, हमें लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ी। अरीब की बोर्डिंग हो चुकी है, अरीब मेरी बोर्डिंग कर रहे हैं, बस फिर सामान पे स्टिकर्स लगाएंगे और यहाँ से निकल पड़ेंगे हम मालदीव्स के लिए। A few moments later. चलें जी गाइस, हमारी बोर्डिंग शोर्डिंग हो गई थी, सारी चीजें हम लोगों ने वापस से, अब इतनी सारी जब शॉपिंग की है ना तो वो फिर लगेज हमारा ज्यादा हो गया। ये मुसीबत हमारे साथ जो है ना, मुझे लगता है थ्रू आउट द जर्नी रहनी है। खैर कोई बात नहीं, आप देखें, चेक करें, सुबह होते हुए हम देख रहे हैं यार कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है यार। अब यहाँ से सीधा चलते हैं प्लेन तक। चले जी, हम लोग फाइनली प्लेन में पहुँच चुके हैं और प्लेन का ऐसे इतना तेज होता है कि मुझे शॉल लेनी पड़ी है। वहाँ पे खेस भी पैसों का मिलता है और सराहना भी पैसों का मिलता है, इसलिए लग रहा है कि उन्होंने हमारी सीट लगाना कर दी है। कोई बात नहीं, खैर है, आज के दिन लगता चलेगा। आई वॉन्ट के हम लगा ही बैठे, ठीक है, इतनी देर साथ रहे हैं, थोड़ा सा फ्लाइट में डिस्टेंस से बैठ जाते हैं। खैर
तो इधर एफर्ट्स हो रहे हैं, सीट के साथ करा रहे हैं। क्या बना? बना लिया मैंने, उसको बना लिया। हम लोग लैंड हो गए और ये मैडम की नींदें नहीं पूरी हो रही। सर उठ जाएं, सर लैंड हो गए हैं। A few moments later. So guys, finally, हम लोग पहुंच चुके हैं भाई मालदीव्स। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ से निकलते हैं तो मैं सरप्राइज देता हूँ, एयरपोर्ट से निकल के। चले जी, यहाँ पे पहुंच गए हैं, अपना सामान वगैरह सारा पैक कर लिया है। मालदीव से एयरपोर्ट बिल्कुल लाहौर एयरपोर्ट जैसा, बिल्कुल छोटा सा। हाँ, यहाँ से बस निकलने लगे हैं सीधा, यहाँ से निकल के सरप्राइज था। अब देखते हैं कि क्या है। बड़े तुमने प्लेन में सफर किया ना। हाँ। आज तुम्हें एक मजे का सफर कराता हूँ, आओ तुम्हें ये सरप्राइज देता हूँ। मजे का सफर? अभी यहाँ से कुछ और सफर भी करना जी, यहाँ पे कहीं पे आइलैंड पे जाना है हमने, और किस तरह जाएंगे ये सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अच्छा, मुझे लगा कि कोई और सरप्राइज होगा, ये तो भाई वो सिर्फ जाने वाला ही है। सी प्लेन पे लेके जाऊंगा, ये सरप्राइज है। प्लेन से निकल के प्लेन में, लेकिन सी प्लेन में कहीं बैठी हो? नहीं, मैंने जिंदगी में खुद भी एक्सपीरियंस नहीं किया, पहला एक्सपीरियंस होगा। इतनी मुश्किलों से सी प्लेन बनाया, हमने आइलैंड ढूंढा था। चलो ठीक है, आज पहला एक्सपीरियंस होगा हमारा सी प्लेन का, और आप सबको बताएंगे कैसा रहता है। सी प्लेन को एक्सप्लोर करने का मजा आएगा, लेट्स सी कि वो कैसा रहता है। लेकिन अरीफा, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा गुजरेगा, टेंशन फ्री, क्योंकि वो सी प्लेन में हवा में उड़ेगा ना। अच्छा गुजरेगा, मेरा अच्छा है, मेरा तो अच्छा है। कब से हल्दी खा के आई हूँ, चाहिए आपको तो मुझे बताएं। अब यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं भाई सी प्लेन, और फिर आपको दिखा। आते साथ मालदीव में तो सी दिखा है, लेकिन सन ब्लॉक कोई नहीं लगा के आए हम लोग। अल्लाह, इतनी गंदी वाली धूप है, गर्मी पड़ी है यहाँ पे। मुझे पता है जो भी पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं वो सब लोग सर्दी से पागल हो रहे हैं। वो कह रहे हैं ये लोग ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी शदीद गर्मी में आए हुए हम लोग। आ जाए गाड़ी की तरफ, गाड़ी क्यों जाना, सी प्लेन जाएगा, वही बस नहीं लेके जाएगी सी प्लेन, बस लेके जा रही है। यहाँ पे भी 600 आपने चीजें बदलनी होंगी, फिर आप जाके सी प्लेन पहुंचे। मालदीव्स का जो एयरपोर्ट है उससे ज्यादा प्यारा ये सी प्लेन वाला पोर्ट। ये चेक करो यार, कितना खूबसूरत है, फुल ब्लू 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 ब्लू। हम लोग पहुंचे हैं भाई सी प्लेन जाने के लिए, जिस जगह पे वहाँ पे लॉन्च बुक हुआ है, जहाँ पे सब चीजें जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। आते साथ खाना शाना है, और मेन मेन्यू में क्या है अपना सामान रखते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं। माहौल बहुत मज़े का है। खैर, अभी मैं अपना दिन बहुत अच्छा इंजॉय कर रही हूँ, और इसको कोई चीज़ की हवा नहीं लगने दे रही हूँ कि आज मेरा बर्थडे है। आपने आप भूल गए हो, बुरा लग रहा है हल्की आँच पे, लेकिन आई एम ओके। बाहर का व्यू आपको थोड़ा दिखाती हूँ, आप लोगों का थोड़ा मूड ओके करती हूँ। यार मेरे मूड को छोड़े, आप लोगों का मूड ओके होना चाहिए, मैं आपको दिखाती हूँ। प्लेन में जाना है हमने, ये प्लेन में डर नहीं लगेगा पानी में? लगेगा ना, मुझे आसमान से ज्यादा पानी से डर लगता है, मुझे स्काई डाइविंग में इतना डर नहीं लग रहा था। हाँ। लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज करनी है जिसको मुझे सोच सोच के डर लग रहा है। यहाँ पे हमने स्कूबा डाइविंग करनी है। अरे मुझे खुद पानी से बहुत डर लगता है, सीरियसली। बहन डर गई, बहन डर गई। लेकिन वो अभी नहीं कर रही, अभी 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 हम ट्रैवल करके थक गए हैं। हाँ वो भी करेंगे, वो चेक करते गए भाई इसको। क्या भाई जी उठ गए ने। अब हम लोगों की फ्लाइट का हो चुका है टाइम, हम लोग अपना सामान पकड़ के बस यहाँ से निकल रहे हैं, और अब जो है वो हम चलते हैं सीधा सी प्लेन पे भाई, तो जाके देखते हैं कैसा एडवेंचर होने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड, आर यू? जी इस वक्त हम लोग जो है ना वो क्लास में बैठ चुके हैं बेटा, आज हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी नहीं, एस्ट्रोलॉजी। चले जी, हम लोगों का जो है वो टाइम आ चुका है अब सी प्लेन पे लैंड करने का। सी ये वाला बहुत प्यार है, एक ये वाला है, लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस करने वाले हैं, अलग सी क्या होता है। ये पूरे प्लेन में तो सिर्फ हमारा ही सामान पड़ा है, अलग करने है, ये तो सारे हमारे सूटकेसेस हैं, उन्होंने कहा ना सब थोड़ा थोड़ा लेके आए हैं। ये जो दो अदद पाकिस्तानी आए हैं, ये कुछ ज्यादा ही सामान लेकर आए हैं। ये कानों में पहनने के लिए क्या दे रहे हैं? ये प्लग दे रहे हैं, शोर बहुत ज्यादा होता है, शोर बहुत ज्यादा। आई वॉन्ट, या थैंक यू। फाइनली हम लोग
चेक करो भाई, व्हाट एन आइलैंड ब्रो, व्हाट एन आइलैंड। आते साथ ढोल बज रहा है यहाँ पे, ढोल से सबका इस्तकबाल। तो कहीं भाई माहौल ही बदला हुआ है यार, बहुत खूबसूरत व्यू है यार यहाँ से, मतलब दिल खुश हो गया यहाँ पे आके। कैसा लगा आपको ये, कैसा लगा आपको सरप्राइज? बहुत अच्छा था, बहुत मजे का और अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत खूबसूरत है ये जगह, पहली बारी पानी देख रहे हैं ना, बारो पानी बारी पानी पानी की जगह। बस चलते जो अपने रिजॉर्ट पहुंचते हैं, आपको रिजॉर्ट दिखाते हैं अपना, कि हमारा रिजॉर्ट कैसा है। कोकोनट इज फेमस इन मालदीव्स और सबसे पहले आते साथ हमको मिला है कोकोनट। वाह, और ये फूल अमेजिंग से यार, क्या प्रोटोकॉल। थैंक यू, दिस इज अ वेरी ट्रेडिशनल स्टॉल। So in this traditional store, okay, this is called Bebe. Okay. So Bebe is like a brother in traditional. So हमारे यहाँ पे तो आंटियाँ बड़ी होती हैं, उनको बेबे कहते हैं। बहुत मज़ा आया, इन्होंने ना बीच में किन्नू मिक्स किया है कोकोनट जूस के साथ, बड़ा मज़े का टेस्ट दे रहा है। बड़े टैलेंटेड लोग हैं, बड़े हैंडीक्राफ्ट पत्ते के साथ ये लोग रोज फूल बनाते हैं, नेकलेस बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। तो मालदीव्स भी आते साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। किसी भी जगह जाते हैं ना तो हम पहले जज करते हैं यार कैसा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा रहा। अभी ये हमारे रूम तक आई थिंक पहुंचाने वाली गाड़ी है, यहाँ बैठेंगे और पहुंचते हैं रूम में, और अब हम यहाँ से सीधा जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट। यार ऐसी गलियाँ हों हमारी, ओए ओए क्या ही मज़ा आए, है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो बहुत, अभी आपको और अच्छा लगेगा। बैडमिंटन भी है, खेलेंगे। ओके, और देखिए फुटबॉल ग्राउंड भी ना नजर आ जाए आपको। फुटबॉल नजर आ गया तो फिर तो मैं भाग जाऊंगा, उसके लिए पूरी टीम चाहिए। फुटबॉल ग्राउंड वो देखो तुमने, है यार फुटबॉल ग्राउंड भी है यहाँ पे। ओ माय गॉड, तुमने खिला खिला के मोटा कर दिया ना, मैं तो भागे नहीं जाना। हाँ मैंने खिलाया आपको इतना मोटा करने के लिए, नहीं भाई मैं तो कहती हूँ खुश रहे, आप अपने ट्रिप पे आए हुए हैं, दूसरों की खुशी का ख्याल रखे। लाइट्स भी लगी हुई है यार, सो ब्यूटीफुल, सो सूदिंग। लेकिन एक बात, सारा दिन एक तरफ, इस लड़के को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, इसकी गलती एक तरफ भाई, अभी तक बेगम का बर्थडे याद नहीं है इस लड़के को। चलें जी, हम पहुंच चुके हैं अपने विला, ये हमारा बड़ा खूबसूरत सा विला है, जाके आपको प्रॉपर विला टूर कराते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे प्रॉपर आते साथ इन्होंने हैप्पी हनीमून लिखा, बट इट शुड बी हैप्पी बर्थडे करा। ये देखो, ओ माय गॉड, ये देखो सामने, ओ माय गॉड, व्हाट अ व्यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। अच्छा इस तरह से है ये सारा, यहाँ पे ही आप सामने देखो पूल है। ओए चलो, तुम इधर बैठो, मैं तरफ से मिलके आ रहा हूँ, मेरे को बात करके आ। चलो ठीक है। चले जी गाइस, मैंने आपको अपना विला दिखा दिया, आप लोगों ने बताना है कि आपको हमारा ये विला किस तरह का लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सूटिंग वाइब है। और अभी मैं बता दूँ, बहुत प्यारा लगा मुझे, मैं बता देता हूँ। आपसे किसी ने पूछा? ठंडा पानी है, काफी पानी ठंडा है, गहरा भी है। ये नहीं गहरा, वो गहरा। चलो फिर उसमें आओ, आपको धक्का दूं उसमें गहरे पानी में। मुझे स्विमिंग नहीं आती, वरना मैंने जंप मार देनी थी। ये मैंने स्लाइड लगाई, ये तो पता, ये स्लाइड देखो। हाँ। यहाँ से ये बटन ऑन करो। अच्छा ये देखो, और यहाँ से सीधा तो अभी नहीं भी आती तब भी चले जाए, आपका बनता यही है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। खैर कुछ नहीं, खुद अगर आपको एक चीज का नहीं एहसास तो बता क्या कि क्या ही एहसास दिलाए। स्लाइड्स देख लो, ये देख लो, वो देख लो, जिंदगी की इम्पोर्टेंट चीजें इंसान को जो याद रखनी चाहिए वो याद नहीं रहती हैं, तो फिर समंदर में छलांग मारे हैं और कूद जाए। सुबह की करोड़ बातें सुना चुकी हूं, क्या हो गया बोल दो, एक बार बता दो। अब आपको नहीं पता मुझे वैसे क्या ही है, बोल के भी इंसान कराए तो क्या कराए, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी बस। इन शॉर्ट मैं सिर्फ आपको एक लाइन कहना चाहूंगी, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू, एट लीस्ट नॉट फ्रॉम यू। अब खुद हिसाब लगा लो मैं क्या कहूँ। सोच ऐसे रहे, इतना पेपर में भी नहीं सोचा होगा। क्या मतलब? कुछ मतलब नहीं है, अब छोड़ दें। खैर है। हाँ मैं तो आपने मेरे साथ जिंदगी का सबसे बड़ा प्रैंक किया। क्या 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 ये मैं बताऊँ यार, आज क्या है, डेट क्या है? अरे सीरियसली कुछ नहीं हुआ, मैं व्लॉग बना रही हूँ ऐसे ही, कुछ नहीं। क्या बोल यार, देखो जो भी है इतनी मर्जी मैं स्ट्रांग हूँ, बट एटलीस्ट अ वाइफ एक्सपेक्टेड एवरीथिंग। क्या है? हैप्पी बर्थडे। ये कौन, किसका?
कर दी, मेरा 26 को है। सॉरी रियली सॉरी, 26 को है, आज तो नहीं है। तुम्हारे सामने मैं इतना बिजी था, जेन्युइन नहीं याद आ रहा। दिस इज नॉट द रीजन टू जस्टिफाई, और वैसे भी 26 को आज नहीं, इजी हो जाओ। रियली सॉरी, क्या छलांग मार दूं? मारू छलांग इस पे, जाओ मारो, सही हो जाओगी। हाँ ये लो, अरे इंसान बन जाओ यार। अल्लाह यार, पूरे यार क्या है? अरे मैंने तो वैसे कहा था, मैंने उधर छलांग मारने को कहा था, आपने अपनी तरफ से यहाँ छलांग मार दी। 26 याद था दिमाग में मुझे यार, 25 ही था। मैं तुम्हें अब तो मैं ये पूछने पे मजबूर हूँ भाई, ये 26 जनवरी को किसका सालगिरह आता है जो आपको इतना याद है? तुम्हारा यार, तुम्हें तंग करने। नहीं 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 नहीं, क्या तंग करने के लिए कह रहे थे? 26 नहीं याद रहा, रियली सॉरी, रियली सॉरी। आज हम जाएंगे कुछ स्पेशल डिनर पे, कुछ करेंगे इंशाल्लाह। अकेले ही जाना, मैं तो नहीं जा रहा। अरे जान के मैसेज आ गए, मेरे घर से मैसेज आ गए, रीव की फैमिली ने मैसेज कर दिया, रीव की फैमिली की कॉल्स आ गई। इस भैया सो रहा था। चलो माफ की जा, तुझे माफ किया, दिल को तोड़ने वाले जा, तुझे माफ किया। खैर कोई नहीं यार, वैसे गाइज क्या बर्थडे, मुझे लगता है कि पहले मुझे लगता था कि शादी के बाद ना चीजें थोड़ी बदल जाती हैं। जिंदगी अब मुझे सुनना पड़ेगा, सारी जिंदगी मुझे यही बात सुननी पड़ेगी, अब सारी जिंदगी मेरे से क्या हो गया, वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, इट्स ओके, हमने माफ किया क्योंकि हमने दिल में कोई बात रखी नहीं थी। थोड़ा सा वक्ती तौर पर हर्ट जरूर हुआ था, बट इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाओ ही नहीं कि दुखाए जाओ। हम करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो, आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और कौन कौन मेरे से एग्री करता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सारे एग्री करते हैं, मोए मोए आपके साथ हूँ। इससे तो अभी मैं सही वाला लड़ूंगी, अभी मैं कर रही हूँ कैमरा बंद, इंशाल्लाह मैं लगा देती हूँ अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, उसमें मैं अपनी बर्थडे खुद सेलिब्रेट करूंगी गाइस, डोंट वरी। वो जो हमारा हैप्पी हनीमून वाला केक आया था ना, उस केक की जगह हैप्पी बर्थडे लिख के उसका फोटो शूट कराती हूँ मैं, क्योंकि और कहाँ जा रहे हो, फिर जा रहे हो? अरीव अब इंजॉय करने लग गए हो ना, तो अब जा रहे हो। चलें जी गाइस, इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, नॉट एक्सेप्टेड।